दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड जो भूल चुके दोस्तों, अगर उसको फॉरगेट वगैरह भी नहीं कर पा रहे हो, आपको अगर फॉरगेट वगैरह भी करोगे तो वहाँ पर आपको जो लिंक वगैरह आ नहीं रही, मतलब कि फॉरगेट वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों अगर आप चेंज वगैरह भी करना चाहते हो तो चेंज वगैरह भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पुराना पासवर्ड लगेगा चेंज वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों आज के बहुत इंटरेस्टिंग, दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप अपना पुराना पासवर्ड आप कैसे पता कर सकते हो 100%। आप जो अपना पुराना पासवर्ड जो अपने पासवर्ड एक महीने पहले सेव करा हो, दो महीने पहले चेंज करा हो, मतलब सालों वाला पुराना पासवर्ड आप यहाँ पर पता वगैरह कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। आपको बताने वाला हूँ, दो तरीके बताऊंगा आपको दोस्तों इस वीडियो में। आपको दोनों तरीके अप्लाई वगैरह कर लेना, आपको आपका फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड जो मालूम हो जाएगा कि आपने क्या वहाँ पर सेट वगैरह कराएं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आज का शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं कृषि। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताना हूँ, दो तरीके आप फॉलो वगैरह करोगे यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड जो आपको मिल जाएगा इजीली। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों की जो फेसबुक यहाँ पर यूट्यूब पर जो वीडियो है वहाँ पर ये है कि फेसबुक अकाउंट ओपन करोगे यहाँ पर, आप जैसे यहाँ पर आप सेटिंग वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको जो पुराना पासवर्ड लगेगा। और यहीं पर दोस्तों कहते हैं बाकी सब जो यूट्यूबर्स के यार यहाँ पर जो है आपको एक पासवर्ड अपना तो दिख जाएगा। तो भाई सवाल ये है कि यहाँ पर अपना पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, कि दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राइवेसी सेटिंग में आना, प्राइवेसी में जैसे जाओगे यहाँ पर आपको मिलेगा पासवर्ड सा एक, यहाँ पर देखिए नया लिखा है चेंज पासवर्ड, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर दोस्तों भाई क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर आपको पुराना पासवर्ड तो डालना पड़ेगा, आपको पुराना ही नहीं पता तो आप नया पासवर्ड सेट वगैरह कैसे कर सकते हो। तो अगर वो लोग बोलते हैं कि यहीं पर पुराना पासवर्ड आपको जो मिल जाता है, तो पुराना ही नहीं यहाँ पर मिल रहा है, तब बता मुझे, आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पुराना पासवर्ड है ही नहीं, तो हम कैसे नया पासवर्ड चेंज वगैरह करें। दोस्तों आपको ये सब चीज़ें नहीं देखना, सब चीज़ें फालतू बकवास है, मतलब फेक है। आपको जो तरीका बताना दोस्तों आपको उसको फॉलो वगैरह करना। देखिए दोस्तों तरीका नंबर पहला, दोस्तों आपको क्या करना, गूगल क्रोम ओपन करना है। आप जैसे गूगल क्रोम ओपन करोगे दोस्तों यहाँ पर आपको नए टैब पे जाना है। जैसे नए टैब पे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपको फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड नहीं आते, अगर किसी का भी फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, कोई सा भी हो, वेबसाइट हो, कोई जो कुछ भी मतलब एक्सपायर जो भी चीज़ हो, अगर आपको पासवर्ड पता करना तो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको तीन लाइन पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर तीन डॉट पे जब से क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपको उनका एक सेटिंग का ऑप्शन है, आपको सेटिंग वाले पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर सेटिंग जैसे जाओगे यहाँ पर दोस्तों आपका जो मेल आईडी आ जाएगा। आपको ध्यान रखना कि आपको मेल आईडी जो गूगल क्रोम में जनरली सभी का मेल आईडी जो लॉगिन वगैरह होता है, जो जीमेल अकाउंट होता है, वही लॉगिन वगैरह होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा सर्च इंजन, सर्च इंजन दोस्तों यहाँ पर आपका जाएगा सर्च इंजन, आपको नीचे मिलेगा पासवर्ड, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे पासवर्ड पर क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी आपने पासवर्ड वगैरह सेट कर रखे हैं यहाँ पर आपको सारे पासवर्ड देखिए यहाँ पर दिख रहे मेरा कितने सारे पासवर्ड मैंने यहाँ पर सेट वगैरह करा दोस्तों, आपको ब्लर दिख रहा है क्योंकि प्राइवेसी कार्ड मैंने यहाँ पर छुपा के रखा है। लेकिन यहाँ पर देखें दोस्तों सारे के सारे मुझे पासवर्ड जो देखने को मिल रहा है, चाहे फेसबुक का हो, चाहे इंस्टाग्राम का हो, लिंक्डइन का हो, या फिर किसी दूसरी चीज़ का हो, मीडिया फायर हो, तो कुछ भी चीज़ों का आपने पासवर्ड अगर सेव करके रखा हो तो यहाँ पर आपके पासवर्ड इजीली आप देख सकते हैं। आपको सिंपली उस पर टैप करना, टैप जैसे करो यहाँ पर आपको जो यूजर नेम आ जाएगा उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा पासवर्ड, यहाँ पर देखिए कॉपी करने का ऑप्शन, आप सिंपली यहाँ पर देख भी सकते हो और उसको कॉपी वगैरह भी कर सकते हो। दोस्तों पहला तरीका है कि कुछ इस तरीके, आप इस तरीके से अपना पासवर्ड इजीली पता वगैरह कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस तरीके से अपना पासवर्ड अगर मालूम रखना नहीं होता तो आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आपको दूसरा तरीका फॉलो वगैरह करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको चलना अपने मेल अकाउंट को ओपन करना है, जीमेल जैसे आप ओपन वगैरह करो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जो प्रोफाइल आपको राइट हैंड साइड सबसे टॉप पर आपको मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा मैनेज योर अकाउंट, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर इसका जो गूगल का पूरा अकाउंट सेटिंग वो पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको चौड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर दोस्तों लिखा फोर्थ नंबर का ऑप्शन में सिक्योरिटी, आपको सिंपली इस पर टैप करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करो दोस्तों आपको सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आपको मिलेगा पासवर्ड मैनेजर, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर जैसे आ जाओगे यहाँ पर दोस्तों आपको जितने पासवर्ड आपने सेव कर करके रखे सारे सारे यहाँ पर आपको पासवर्ड जो मिल जाएंगे। देखिए मैंने बहुत सारे पासवर्ड यहाँ पर सेव करके रखे, मतलब सब चीज़ के पासवर्ड मैं सेव वगैरह कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में भूल जाता हूँ तो मैं सेव वगैरह कर लेता हूँ। एग्जाम्पल मुझे फेसबुक का ढूंढना, मैंने फेसबुक का अलग सेव तो नहीं कराया, मैंने वहाँ पर क्रोम पर कर रखा है, फेसबुक को मैंने सेव वगैरह नहीं कराया। पर मैंने इंस्टाग्राम का पासवर्ड जो सेव करके आपको दिखा देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम का पासवर्ड देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम से लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए आ जाता है मेरे पास इंस्टाग्राम, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक वगैरह होगा, यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक मांगेगा, आपको सिंपली स्क्रीन लॉक डाल देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपका अपना यूजर नेम वगैरह आ जाएगा, यूजर नेम के साथ साथ आपको वहाँ पर पासवर्ड भी आ जाएगा और दोनों के साथ में कॉपी का ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंपली कॉपी वगैरह करके अपना पासवर्ड वगैरह वापस नया चेंज वगैरह भी कर सकते हो, फॉरगेट भी कर सकते हो पुराना पासवर्ड डाल के कभी कर। हालांकि जब आपको पुराना पासवर्ड मिल जाएगा तो फॉरगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बहुत सारे पासवर्ड को जो अपने मैनेज वगैरह कर सकते हो। अगर आपको कोई नया पासवर्ड ऐड वगैरह भी करना है, जैसे अगर आपको लगता है कि मैं भूलने वाला हूँ पासवर्ड, आपको सिंपली प्लस वाला उस पर टैप करना, प्लस वाला बटन पर आप जैसे यहाँ पर टैप करोगे यहाँ पर आपको साइट डाल देना कि किस साइट का पासवर्ड आप सेव कर रहे हो, या किसी एप्लीकेशन आपको सिंपली एप्लीकेशन को सिलेक्ट वगैरह कर लेना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कैनवा का डालने वाला हूँ, यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन में कैनवा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर दोस्तों आपको डालना यूजर नेम, मतलब किस यूजर नेम से आपने आईडी बना रखी। एग्जांपल है कि आपको मेल आईडी डाल रखी है, मोबाइल नंबर डाल रखा है, कोई यूजर नेम वगैरह है, वहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड वगैरह सेट वगैरह करा, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालकर सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप सेव वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड गूगल पे सेव हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आपको जब मन करे आप जब पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हो, आधे रात में देख सकते हो, आधे दिन में देख सकते हो, दो चार साल 10 साल बाद भी यहाँ पर मैं पासवर्ड
इजीली आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च वाले टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी आपने पासवर्ड सेव करा है यहाँ पर आपको सिंपली डाल देना। तो मैंने कैनवा का करा था, मैं पीछे से कैनवा सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल तो मैंने इसको सेव भी नहीं करा, मैं बाद में करूँगा। जैसे मैं कैनवा सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिखा जाएगा कैनवा का मैंने पासवर्ड वगैरह सेव करा है। आप वहाँ पर जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका यूज़र नेम दिख जाएगा और आपका पासवर्ड जो मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने फेसबुक का पासवर्ड आप देख सकते हो, कुछ अपने इस तरीके से अपने जो फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, हर चीज़ का पासवर्ड यहाँ पर आप देख वगैरह सकते हो। तो दोस्तों आज के सड़क इतनी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद। दोस्तों अगर वीडियो पसंद वीडियो लाइक रुकना, चैनल पर रुकना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले जन वंदे मातरम।